हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सूर्य ग्रहण लगने वाला है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण अभी अभी पूर्ण हुआ है और अब दिसंबर माह में यानी कि मार्ग शीर्ष के महीने या जिसे हम अघन मास भी कहते हैं, इसमें कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सोमवार या अमावस्या के दिन 14 दिसंबर को आखिरी सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। मार्ग शीर्ष माह के बारे में स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि महीनों में वह मार्ग शीर्ष है। इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है और जिस गीता को समस्त विश्व ने अपने जीवन का दर्शन माना है, जिस गीता को सभी ने अपने जीवन का सार माना है, उस गीता का ज्ञान मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी मार्गशीर्ष माह में पूरे विश्व को दिया था। यह अमावस्या तिथि बहुत ही पुण्य फलदायी पितृ अमावस्या मानी जाती है और जो ग्रहण लगने वाला है सूर्य ग्रहण, वो शाम को 7:04 शुरू होगा और 15 दिसंबर की रात को 12:23 पर इसका समापन होने वाला है। ये ग्रहण भारत समेत सऊदी अरब, कातर, सुमात्रा, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, नॉर्दर्न मरीना आइलैंड्स, श्रीलंका, बोर्नियो आदि में दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और कोई भी ग्रहण हो इसे अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है और ग्रहण काल में सूतक का विचार किया जाता है। इस दौरान सूतक काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या है और इस तिथि को पितृ अमावस्या भी कहते हैं और कहते हैं कि देवताओं से पहले हमेशा अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, इसलिए इस दिन पितृ को याद किया जाता है। जिस प्रकार आप श्राद्ध में पितृ अमावस्या मनाते हैं, इसी प्रकार से ये बहुत बड़ी अमावस्या होती है, खासकर जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष हो, जिनकी कुंडली में संतान प्राप्ति के लक्षण न दिखाई देते हों, भाग्य स्थान में राहु नीच का हो, इस प्रकार के पीड़ित योग वाले जातकों को इस अमावस्या का उपवास रखना चाहिए। इस उपवास को रखने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कहा गया है कि इस अमावस्या के उपवास से ना केवल पितृगण बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, पशु पक्षी सहित सब भूत प्राणियों की तृप्ति होती है। इस दिन पितृ के निमित्त धूप ध्यान करना चाहिए। गाय के गोबर से कंडे ले लीजिए, उपले जिन्हें कहते हैं, उस पर गुड़, घी या फिर खीर से आप अपने पितृ को धूप अर्पित कीजिए, उनके नाम का दान करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, कुंडली में मौजूद पितृ दोष खत्म होते हैं। शाम के समय पितृ को याद करते हुए घर के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से सिर्फ पितृ नहीं बल्कि लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती है और जो दिया आप जलाएंगे वो थोड़ी सी केसर उसमें डाल लीजिए, केसर नहीं है तो एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए और रुई के स्थान पर लाल कलावे की बाती का प्रयोग करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, नौकरी हो व्यवसाय में तरक्की होती है और प्रत्येक अमावस्या की भांति मार्गशीर्ष की अमावस्या पर भी पितृ तर्पण जरूर कराना चाहिए। इस दिन आप जो भी काम करते हैं, पूजा पाठ करते, पितृ के निमित्त आत्मा को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, चाहे आप पिंड दान कीजिए, चाहे तर्पण कीजिए या फिर व्रत रख करके आप उनका पूजन कीजिए और कुछ ना हो सके तो दक्षिण मुखी होकर के एक लोटा जल अपने पितृ के नाम का ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए दीजिए और घर में धूप जलाएं। दोस्तों, आप देखेंगे बहुत सारी समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। बताने की जरूरत ही नहीं है कि सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है। स्नान हो, दान हो, सभी के लिए सोमवार का दिन वैसे भी भगवान शिव का माना जाता है और इस दिन अमावस्या आ जाए तो वो चमत्कारी बन जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती है और पितृ दोष, काल सर्प दोष के निवारण के लिए भी पूजन किया जाता है। जो भी करते हैं बिगड़े काम बनते हैं और महाकाल यानी कि शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर कच्चे दूध, दही, इससे आपको अभिषेक करना चाहिए। कुछ ना हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए आपको एक लोटा जल कम से कम शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। आप देखेंगे आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती है।
इस दिन आपको पेड़ पौधों की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी का विशेष स्थान है हमारे जीवन में। तुलसी माँ की 108 परिक्रमा इस दिन शाम के समय दीपक जला के करते हैं। अमावस्या तिथि है, लक्ष्मी महालक्ष्मी की तिथि है, तो आप करने से आपके जीवन में धन संपत्ति का वास तो होता ही है, साथ में किसी भी प्रकार की घर में नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर पधारती है। और सिर्फ तुलसी ही नहीं, कल्प वृक्ष यानी इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा करने से भी घर से दरिद्रता दूर होती है। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास किया गया है। परिक्रमा करने से भी पूजित हो जाते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। पीपल भी ना मिले तो गौ की परिक्रमा करें, गौ का पूजन करें, गौ को भोजन कराएं, चींटियों को आटा डालें। चींटियों में भगवान विष्णु का वास बताया गया है और इनको आटा डालने से हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है। हर रोज अगर आप चींटियों को आटा, मछलियों को आटा डालते हैं तो राहु केतु के दुष्प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या है, इस दिन गरीब हो, जरूरतमंद हो, भोजन हो, कंबल हो, ठंड का समय है, दान करें और भगवान शिव के वाहन नंदी को अगर कहीं से दिखते हैं आपको तो हरा चारा इस दिन खिलाना चाहिए। इससे एक तो शनि दोष का प्रभाव कम होता है, पितृ की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस ग्रहण के बाद 15 दिसंबर को धनु संक्रांति भी है, जब सूर्यदेव मंगलवार के दिन धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में ये 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति तक रहने वाले हैं। और सूर्य ग्रहण को विज्ञान की नज़र से भी एक देखा जाए तो एक सिर्फ नॉर्मल घटना मानते हैं, जिसे कहते हैं कि आप फिल्म के साथ देख लीजिए, लेकिन आपको बताओ जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में विषय विशेष नहीं, ग्रह नक्षत्र विशेष देखा जाता है और इसका असर अगले 6 महीने तक सभी के जीवन में पड़ने वाला है। दोस्तों सावधानियां, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था कि आने वाला वर्ष कितना खतरनाक होने वाला है, और देखिए सभी ज्योतिषों ने बताया था इस चीज़ को, क्योंकि कैलकुलेशन होता है ज्योतिष में कि खतरनाक साल है और कोरोना ने किस तरह से पूरे विश्व को उथल पुथल किया है। आने वाले साल के बारे में भी बहुत असर पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। सावधानियां रखें, बुराई नहीं है सावधानी रखें, में छोटे छोटे उपाय किया करें। इस दिन मंदिरों के कपाट जब सूतक लगता है तो बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में डुबकियां लगाई जाती है। मंगल अनुष्ठान नहीं होते हैं और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है गंगा जल से घरों मंदिरों मूर्ति को शुद्ध किया जाता है ताकि ग्रहण की अशुभ छाया से सारा घर दूर रहे। और दोस्तों विशेषकर गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाकू छुरी नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर ज़रूर पड़ता है। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान दान और मंत्र जप इस दौरान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन आपको सुबह सुबह उठकर किसी भी पवित्र नदी तालाब कुंड में स्नान करना चाहिए और फिर सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। स्नान के जल में थोड़े से काले तिल हो सके या काले तिल रगड़ करके शरीर पर स्नान कर लीजिए, उसका पेस्ट बना करके शरीर पर रगड़ के स्नान कर लीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। स्नान के बाद बहते हुए जल में थोड़े से काले तिल प्रवाहित करें और वहीं खड़े होकर के गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियोयो नः प्रचोदयात् इसका जप करें। जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं, ये व्रत महापुण्यदायी व्रत होता है और जो लोग भी व्रत करें इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, नहीं रह सकते, थोड़े से फल फूल दूध आदि पे आप रह सकते हैं और पूजा पाठ के बाद भोजन और वस्त्र आदि का या सीधा जिसे कहते हैं वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को ज़रूर दान दें। इस दिन आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान देवी लक्ष्मी का चित्र रखकर विधिवत तरीके से पूजा करें और पंजीरी हुआ, हलवा हुआ, जो भी आपकी इच्छा हो, भोग लगाएं, श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करें और आरती करके श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद बांटना चाहिए। भूल करके भी अमावस्या की रात्रि है, महातंत्र की रात्रि होती है, किसी भी सुनसान जगह पर, किसी भी शमशान घाट पर, ये सब जगहों पर खाली जो खंडहर आदि हो वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है पिशाच हो, निशाचर हो, जीव जंतु हो, दैत्य हो, भूत प्रेत हो, पितृ हो, ये ज़्यादा इस रात को सक्रिय होते हैं, तो नहीं, जिनको कमज़ोर मानसिकता वाले हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको देर तक सोने की आदत है तो इस दिन सुबह जल्दी उठें और सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करके हल्दी के जल का छिड़काव ज़रूर करें।
इस दिन किसी भी प्रकार का क्रोध हुआ, गुस्सा हुआ, लालच हुआ, किसी भी इमोशनल जो ज़्यादा बहाव होते, पारिवारिक कलह हुआ, इन सभी से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप अपने घर पे विवाद करते हैं तो इससे आपके पितृ नाराज होते हैं, कृपा नहीं बरसाते। घर में शांति का वातावरण बना के रखें और भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखें। अमावस्या पर वैसे तो थोड़ा सा पितृ के निमित्त आपको किसी भी गरीब को, गऊ आदि को भोजन कराना चाहिए, और नहीं तो कम से कम सात्विक भोजन करें। व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो तामसिक चीज़ें, किसी भी प्रकार का अंडा, मछली, मीट, मांस आदि, या फिर नॉनवेज हुआ, किसी भी तरह का नॉनवेज हुआ, किसी भी तरह के ड्रिंक्स हुए खराब, ये चीज़ें आपको सेवन नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का नशा ना करें और इस दिन बहुत ही सात्विकता से, अच्छे भाव के साथ पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा करते हुए आपको दिन को व्यतीत करना चाहिए। पति पत्नी को भी इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपस में भगवान का पूजन करते हुए वक्त बिताना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, संबंध बनाते हैं, तो इससे अगर संतान हो जाती है तो जीवन उल्टा कष्टकारी बनाती है। किसी भी पराए पुरुष, स्त्री आदि के ऊपर बुरी नज़र ना डालें। और इस दिन कुछ लोग कहते हैं कि मैम शेव करें कि ना करें, तो आपको बता दूं कि शेव आदि करना अमावस्या तिथि को वैसे कई जगहों पर निषेध बताया जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो शारीरिक सफाई के तौर पर अगर अमावस्या के दिन हम कहते हैं कि निगेटिव एनर्जी दूर हटनी चाहिए, तो आप हेयर कट हुआ, नाखून काटना हुआ, या फिर आप ये सब चीज़ें आप इस दिन कर सकते हैं। पुरानी झाड़ू इस दिन अपने घर से बाहर करके नई झाड़ू इस दिन से यूज़ करनी चाहिए, इससे भी दरिद्रता घर से दूर होती है। इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके दोस्तों ये अमावस्या तिथि आपको बितानी है। और ग्रहण का दिन है तो बहुत सात्विकता से, ग्रहण के बारे में अधिक जानकारी आपको दूसरे वीडियो में दूंगी, आप ध्यान से सुने और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से आने वाली जो खास अमावस्या तिथि है, सोमवती अमावस्या है, इसके बारे में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।